सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को लगाने के लिए इस पर विचार हुआ है। और दिल्ली के अंदर कम से कम पायलट बेसिस पे इस बार जो कृत्रिम वर्षा है, आर्टिफिशियल रेन है, उसको लेकर के जरूर हम लोग प्रयोग करें, जिससे कि इमरजेंसी सिचुएशन में जो है वो इस पर कार्रवाई हो सके। प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ रहा है, उसको लेकर के दिल्ली में ग्रैप 2 लागू हो चुका है। ग्रैप 2 के नियम लागू होने के बाद कैसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन को और स्ट्रांग किया जाए, इसको लेकर के काफ़ी चर्चा हुई है। सभी अधिकारी, दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय, दिल्ली के मुख्यमंत्री, सभी लोग मौजूद थे। उसमें मुख्य तौर पर जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा हुई है, एक तो ये कि जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके लिए वर्कफोर्स की कमी हर जगह देखी जा रही है, और उसको लेकर के आज हमने अपनी बात रखी है और ये डिस्कस हुआ है कि सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को जो है वो जगह जगह पर जो है वो तैनात किया जाए, चाहे वो डस्ट कंट्रोल हो, चाहे व्हीकल पोल्यूशन का कंट्रोल हो, बायोमास बर्निंग जो जगह जगह कूड़ा जलता है उसको लेकर के, तो सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को लगाने के लिए इस पर विचार हुआ है। दूसरा, जैसे दिल्ली के अंदर जो बाहर से गाड़ियां आती हैं, तो उसके लिए जो हमारा एक्सटर्नल और वेस्टर्नल पेरिफेरियल है, वहां पे जो एंट्री पॉइंट है वहां पर जो है एक्स्ट्रा जो है वो ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो फोर्स है और वहां पर भी लगाया जाए, जिससे कि वहीं से गाड़ियों को डाइवर्ट कर दिया जाए। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस के लोग अदर स्टेट्स के नेबरिंग जो स्टेट हैं उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन करेंगे। तीसरा जो डिस्कशन जो हमने किया है कि कैसे जो दिल्ली के ऑफिसेज हैं, सरकारी ऑफिसेज हैं, सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो टाइमिंग है उसको जो है वो चेंज किया जाए, जिससे एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पे जो है वो न रहें। इसी तरह से जो डीजल बस जो चारों तरफ से आ रही हैं, सरकारी बसों के लिए तो हमने वहां के परिवहन मंत्रियों को चिट्ठी ऑलरेडी लिखी है, लेकिन बहुत सारी प्राइवेट डीजल की बसें दिल्ली में आती हैं, उसके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ये डिस्कशन हुआ है कि वो इसके लिए एक स्पेशल ड्राइव चलाए कि जो प्राइवेट गाड़ियां हैं BS3 BS4 की, उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई किया जाए। हमने LG साहब से भी निवेदन किया है आज कि सेंटर गवर्नमेंट से बात करें और दिल्ली के अंदर कम से कम पायलट बेसिस पे इस बार जो कृत्रिम वर्षा है, आर्टिफिशियल रेन है, उसको लेकर के जरूर हम लोग प्रयोग करें, जिससे कि इमरजेंसी सिचुएशन में जो है वो इस पर कार्रवाई हो सके। उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार से वो इसको लेकर के भी वो भी बात करेंगे। तो ये मुख्य तौर पर बिंदु हैं जिसके लेकर के आज डिस्कशन हुआ है, और आगे इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए उसके लिए जो है वो डायरेक्शंस जारी